आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जब से मैंने योगा करने लगी तब से मेरा सर दर्द गायब। देख लो दोस्तों। अरे वाह, तीन महीने पहले एक लोहे की थी, अब उन्होंने उसकी लादी सीमेंटेड थी। क्या बारिश हो रही है, अब बाढ़ भरेगी। चलते हैं सीधे किचन में। और हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और नाश्ते का आनंद उठा रहे होंगे इस टाइम। तो सीमा बना रही है क्या? आलू का पराठा, आलू का प्याज का, आलू प्याज के पराठे बन रहे हैं क्योंकि सीमा ने मुझसे कल पूछा था रात में। बताने वाली थी कि मैं हमेशा रात में ना इनसे पूछती हूँ कि अगर आपकी कोई फेवरेट है बता दो, तो मेरे लिए भी सहूलियत हो जाए सुबह ना, वरना आप जो ग्रहणी लोग हैं उनको पता और कितनी चिकचिक होती है कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। सही बात है। तो मैं इनसे पूछती हूँ तो इनका यही जवाब होता है, सीमा जो तेरे को शॉर्टकट लग रहा है ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े। हाँ। तो ये बोलती तो मैंने, है तो मैंने कल ऐसे ही बोल दिया, अगर ऐसा ही है तो फिर प्याज का परांठा बना दे। तो फिर मैंने बोला पक्का ना बना, क्योंकि किसको पसंद नहीं आता आलू प्याज का परांठा, भी बनाए ना। तो फिर सीमा ने आलू प्याज का पराठा। बस दोस्तों इसी के साथ में करते हैं आज ब्लॉग की शुरुआत और आगे देखते हैं क्या क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और हमको यूं ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस। बिल्कुल। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे आगे, अभी काफ़ी सो रही है। अभी हम आए हैं जस्ट बाहर बालकनी में और अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ। सही में काफी अच्छा मौसम हो रहा है और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप बोलिए, मेरे पराठे जल रहे हैं। तो जैसे कि हाँ, सीमा के पराठे जल रहे हैं तो बनाने जा रही है पराठे। और आज है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप आप सभी लोगों ने योग कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो आगे योग कर लेंगे। तो योग करना काफ़ी ज़रूरी है, एक स्वस्थ शरीर के लिए और एक स्वस्थ दिमाग के लिए योग करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आपको डेली योग करना चाहिए। और एटलीस्ट दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट का तो योग करना ही चाहिए रोज़, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ज़िंदगी का आनंद यूँ ही लेते रहेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो भैया मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस मन कर रहा है कि बालकनी में ही रहें और यहाँ से नज़ारा लेते रहें बाहर का, बहुत अच्छा हो रहा है। और बन रहे हैं आलू प्याज के पराठे, तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा ही मौसम रहे हमारा पूरा 12 मास, तो कितना बढ़िया है। और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी होनी शुरू हो गई है अभी। बात ही आ रहे हो। हाँ। ओ, तभी क्या हुआ, आज बहुत आनंद आने वाले आलू परांठे का। क्यों? क्योंकि मौसम ऐसा हो गया। हाँ। और काला हो गया एकदम। मम्मी आपने योग किया था आज? आज आपने योग किया था? हाँ, मैं तो रोज ही करती हूँ। हाँ। पर नीचे देखा मैंने तो बहुत मजा आया। दोस्तों माँ हमेशा योग करती है, और मम्मी कब से आप योग करते हुए आ रहे हो? हो गए जब से यहाँ आई हूँ उसके 1 महीने बाद से करने लगी, जब मेरा सर दर्द बहुत होता था। अच्छा। तब जब से मैंने योगा करने लगी तब से मेरा सर दर्द गायब। देख लो दोस्तों, तो जब से मम्मी योग कर रही तब से मम्मी का सर दर्द नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैं आपसे पता है मम्मी का सर दर्द हमेशा होता रहता था, कुछ थोड़ा थोड़ा सा हो जाता था। सही में जब से योग किया ना तब से योग करने से बहुत राहत मिलती है। बहुत राहत मिलती है, बात तो है। तो मम्मी और मम्मी जहाँ हम रहते थे पहले गिरधर इनके में, वहाँ भी मम्मी डेली योग करती थी। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ना वो एक शेड्यूल बन नहीं पाया, थोड़ा सा एटमोसफेयर हो नहीं पाया, तो मम्मी ने फिर 1 महीने के बाद शुरू किया क्योंकि मम्मी को सर दर्द हो रहा था। तो अभी मम्मी का सर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। अब नहीं होता है, जब कोई ज्यादा चिल्लाने लग जाता है कहीं हो जाता है तब होता है, नहीं तो अब नहीं होता है। वाटर प्रूफ। तो ये है दोस्तों योग करने के फायदे, इसलिए आप भी योग करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कितनी अच्छी बेंच लगी है हमारे सामने ही। हाँ लगी है बेंच। अरे वाह, तीन बेंच। पहले एक लोहे की थी, अब उन्होंने उसकी ला दी सीमेंटेड थी। क्या बारिश हो रही है, अब मैं बाहर भरेगी परांठे बना के बाहर आ रही हूँ, मजा आ गया। अभी डाले हैं, अभी डाले मैंने सुबह धोए थे। और देखो ये भैया, ये जो कर्टेन है कैसे उड़ रही है अभी ये। और सीमा को देखो यहाँ पे, ये रोटी बेलते 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 ही आ गई। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई है, और दोस्तों इतनी बारिश हो रही है ना यहाँ पे, और 3-4 दिन से मौसम इतना ठंडा हो रखा है, लग नहीं रहा कि जून का महीना चल रहा होगा। सही में है सीमा, लग रहा है जून का महीना होगा। मुझे इनके लिए खुशी हो रही है, बेचारों के लिए जो जूझ में रहते थे ना, उनको बहुत गर्मी लग रही थी, कैसे नाच रहे बच्चे। सही बात है। चलो आज परांठा भी अच्छे टाइम पर बना, आज बारिश का
बाय बाय। बारिश का मजा ले रहा है नन्नू, देख रहा हूं मैं, बोलो बा। बारिश और बच्चों को देख रहा है, अगर कुछ टाइम बात कर रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। सही बात है, हालात कैसे भी हो लेकिन खुशी होने का एक बहाना चाहिए होता है, तो बस खुश रहिए। पापा ने उसको नींद में उठा दिया बारिश से। अभी उसने आधा घंटा और सोना था। ऐसे करती हूँ रेन रेन बारिश अभी तो बोल रही थी तुझे उठा ले मेरा बाबू। यहाँ सीमा बारिश के मजे भी ले रही है, दो दो मिनट में आके, और यहाँ पराठे भी बन रहे हैं, और चाय ने डांस करना शुरू कर दिया है। मैं तो कब से रखा हुआ है वो बारिश के नजारे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे मौसम में ना कबलाहट हो रही है कि बाहर भी जाए। बहुत कबलाहट हो रही है, बार बार बना बना के बाहर ही जा रही हूँ। चलो पापा के लिए भी बन गए, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि आज बारिश ना पूरे दिन भर ही होती रहेगी, जिस हिसाब से आज मौसम बना हुआ है। सही में इसे कहते हैं गर्मी में ठंडी का एहसास। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, जैसे कि 3-4 साल से आप देख ही रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी गर्मी। बरसात के मौसम में बरसात बहुत लेट हो रही थी, पर अभी तो देखो मई जून से ही बारिश होने शुरू हो गई है। और दोस्तों एक हफ्ते से तो हमने कूलर भी नहीं चलाया, हम पंखे के नीचे ही सो रहे हैं। सही में, और इतनी ठंड लगती है फिर भी चादर लेते हैं, लग नहीं रहा दिल्ली का मौसम होगा ये। बिल्कुल, अब सीमा मैं तुम्हें लेके नहीं गया ना पहाड़ों में, तो देख लो। इस चीज को तो सही कहेंगे कि आप नहीं ले गए, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें कहा कि बहुत सही किया आप नहीं गए हो इस टाइम पर। पेंडिंग है आप पे, मेरा बर्थडे आने वाला है और आपको मुझे पेंडिंग क्यों है? अब तो मौसम अच्छा करवा देना, मैंने रहन दो भाई, मैं अकेले चला रहा हूँ कासू के साथ, रहन दो, अपना बर्थडे इंजॉय करके आऊंगा। तो सीमा कह रही है मुझे बर्थडे पे कहीं घुमा के लेके आओ। हां एक बार बोलो, इन्होंने ही कल मुझे बोला था सीमा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं तो खुद भूल जाती हूँ, ये हमेशा याद रखता है। चलो अलग बात है, कुछ स्पेशल नहीं करते। मेरा ये मानना है दोस्तों कि कुछ स्पेशल करने के लिए आपको बर्थडे एनिवर्सरी या किसी और चीज का वेट नहीं करना होता। हाँ, और दिन कौन सा स्पेशल करते हो तुम? तुम परांठे खाओ जाके जाओ। तो मेरे लिए ना सीमा ने परांठा यहाँ पे रख दिया है, और मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए आ गया था, तो बस खाते हैं परांठा फिर बनाते हैं आगे का ब्लॉग। दोस्तों ये देखो इसको यहाँ पे, आज इतना रोए है ना, इतना रोए है। मम्मी ने निकाल के नन्नू को दिया होगा खेलने के लिए, काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, और भाई इसने दे लिया। इस हाथ से हटा रहे भी, दोनों रो रो के इतना रो रहे हैं। अगर कि हाथ में चाहिए, मैं बोल रहा हूँ नीचे रख के खेलो, नहीं हाथ में चाहिए दोनों। भैया उठा के इधर ले आई कमरे में, वहां बजता ही नहीं है, देख कहाँ बज रहा है, और जो तुमने ना बजाया हारमोनियम बड़ा हो गया अच्छे से, फिर देखना तुम। अभी दोस्तों हो गया है लंच टाइम, और काफी अच्छा मौसम हो रहा है, जैसे कि सुबह से मौसम काफी अच्छा है आज। तो आज लंच में क्या बना है, ये बना है लंच में मिक्स दाल भात सलाद, बस ये सब है लंच में। तो भुजी और उसके साथ में है छाछ, जो कि सीमा आधा ग्लास पी चुकी है, छाछ चढ़ी हुई है। लैपटॉप चला हुआ था ना, गाने चल रहे हैं उस लैपटॉप में, बस देख रही है उसको बस। कासू शाम हो चुकी है और मैंने चाय बना के सबको दे दी है, और मैं बना रही हूँ आज रात के खाने के लिए कद्दू। तो कद्दू की सब्जी और रोटी रायता बनेगा। बाकी अभी फ्री हूँ तो थोड़ा मैं लैपटॉप पे बैठी थी, कुछ काम कर रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। क्या है ना कि ऑलमोस्ट 2 ईयर से मैं फ्री हूँ, मतलब कोई काम काज नहीं कर रही हूँ, मतलब वैसा काम काज घर का तो कर ही रही हूँ। एक होता है ना बाय प्रोफेशनल वर्क, वो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो बहुत मन है कि कहीं ज्वाइन कर लूँ कुछ, मतलब स्टार्ट कर लूँ, मतलब कुछ तो करूँ ऐसा। पर फिर काशू को देखती हूँ तो काशू मुझे 10 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है, फिर सोचती हूँ छोड़ो जब बड़ी हो जाएगी तब देखती हूँ वर्क। तो ऐसे ही करते करते बस हर दिन गुजर रहा है, तो कोई आइडिया नहीं आ रहा अभी दिमाग में। पर जल्दी दोस्तों कुछ कोशिश ज़रूर करूँगी मैं करने की, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब घर का काम काज हो जाता है, खाली बैठना या
पाँच मिनट के लिए भी ऐसा लगता है यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ लाइफ में, तो सोच रही हूँ क्या किया जाए। बहुत दिनों के बाद हम जा रहे हैं मंडी सब्जी लेने। मुझे ऐसा लगता है जब से हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से पहली बार हम दोनों कहीं जा रहे होंगे, है ना? इससे पहले दूसरी बार ही जा रहे हैं। हाँ, ऐसे सब्जी लेने तो पहली बार जा रहे होंगे। और दोस्तों आज हमें मिली है जिम्मेदारी सब्जी लाने की, वरना पापा मम्मी ही लेके आते हैं। वैसे मैं तो तभी भी ले आती हूँ बीच बीच में जा जाके मम्मी पापा के साथ। हाँ, पर अंजलि पहली बार आ रही होगी मेरे ख्याल से, तो देखते क्या क्या लेके आते हो, तो घर ही जाके पता चलेगा। दोस्तों ये सब्जियां मैं लेके आई हूँ और अभी मैंने धोई नहीं है, अब मैं धोऊंगी पहले, तब इसको उनकी जगह पे रखूंगी। और एक चीज़ और लेके आई हूँ जो है ये नमकीन, और वो मैंने डब्बे में डाल दी, पीनट वाले डब्बे में। तो ये नमकीन मुझे और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये हमेशा लेके आती हूँ। क्या बोलते हैं इसे, बेसन वाली नमकीन, सॉफ्ट होती है। ये कासू भी खाता है, ये देखो गंजे मुंडू। तो अभी गूंदा जा रहा है आटा, तो क्या बन रहा है? आज मैंने बनाया कद्दू। कद्दू? और अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैं क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ। हाँ, अरबी भी लाई हूँ मैं, मेरी फेवरेट है अरबी, बस सूखे वाली। आलू अरबी तो कल बनेगी, आलू अरबी क्या मॉर्निंग में? नहीं, परसों बनेगी। परसों बनेगी मॉर्निंग में नाश्ते में ना, और साथ में बनेगा उसे कद्दू की रोटी। वो कद्दू बोल रहा हूँ, कद्दू की रोटी, चूने की रोटी, ठीक है। कुछ पता न रहता, चोरानू पेंडे कदमों में कुछ पता न रहता।